विनोद मुंशी प्रेमचंद। विद्यालयों में विनोद की जितनी लीलाएं होती रहती हैं, वे यदि एकत्र की जा सके तो मनोरंजन की बड़ी उत्तम सामग्री हाथ आए। वहां अधिकांश छात्र जी वन की चिंताओं से मुक्त रहते हैं, कितने ही तो परीक्षाओं की चिंता से भी बरी रहते हैं। वहां मटरगश्त करने, गप्पे उड़ाने और हंसी मजाक करने के सिवा उन्हें कोई और काम नहीं रहता। उनका क्रियाशील उत्साह कभी विद्यालय के नाट्य मंच पर प्रकट होता है, कभी विशेष उत्सवों के अवसर पर। उनका शेष समय अपने मित्रों के मनोरंजन में व्यतीत होता है। वहां जहां किसी महाशय ने किसी विभाग में विशेष उत्साह दिखाया, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल को छोड़कर, और वह विनोद का लक्ष्य बना। अगर कोई महाशय बड़े धर्मनिष्ठ हैं, संध्या और हवन में तत्पर रहते हैं, बिना नागा नमाजे अदा करते हैं, तो उन्हें हास्य का लक्ष्य बनने में देर नहीं लगती। अगर किसी को पुस्तकों से प्रेम है, कोई परीक्षा के लिए बड़े उत्साह से तैयारियां करता है, तो समझ लीजिए कि उसकी मिट्टी खराब करने के लिए कहीं न कहीं अवश्य षड्यंत्र रचा जा रहा है। सारांश यह है कि वहां निर्द्वंद्व, निरीह, खुले दिल आदमियों के लिए कोई बाधा नहीं, उनसे किसी को शिकायत नहीं होती, लेकिन मुल्लाओं और पंडितों की बड़ी दुर्गति होती है। महाशय चक्रधर इलाहाबाद के एक सुविख्यात विद्यालय के छात्र थे। एमए क्लास में दर्शन का अध्ययन करते थे, किंतु जैसा विद्वजनों का स्वभाव होता है, हंसी दिल लगी से कोसों दूर भागते थे। जातीयता के गर्व में चूर रहते थे। हिंदू आचार विचार की सरलता और पवित्रता पर मुग्ध थे। उन्हें नेकटाइ, काला वास्कट आदि वस्त्रों से घृणा थी। सीधा सादा मोटा कुर्ता और चमड़े जूते पहनते। प्रातःकाल नियमित रूप से संध्या हवन करके मस्तक पर चंदन का तिलक भी लगाया करते थे। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के अनुसार सिर घुटाते थे, किंतु लंबी चोटी रख छोड़ी थी। उनका कथन था कि चोटी रखने में प्राचीन आर्य ऋषियों ने अपनी सर्वज्ञता का प्रचंड परिचय दिया है। चोटी के द्वारा शरीर की अनावश्यक उष्णता बाहर निकल जाती है और विद युत प्रवाह शरीर में प्रविष्ट होता है। इतना ही नहीं, शिखा को ऋषियों ने हिंदू जातीयता का मुख्य लक्षण घोषित किया है। भोजन सदैव अपने हाथ से बनाते थे और वह भी बहुत सुपाच्य और सूक्ष्म। उनकी धारणा थी कि आहार का मनुष्य के नैतिक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विजातीय वस्तुओं को हेय समझते थे, कभी क्रिकेट या हॉकी के पास न फटकते थे। पाश्चात्य सभ्यता के तो वह शत्रु ही थे, यहाँ तक कि अंग्रेजी लिखने बोलने में भी उन्हें संकोच होता था, जिसका परिणाम यह था कि उनकी अंग्रेजी कमजोर थी और वह उसमें सीधा सा पत्र भी मुश्किल से लिख सकते थे। अगर उनको कोई व्यसन था तो पान खाने का। इसके गुणों का समर्थन और वैदिक ग्रंथों से उसकी परिपुष्टि करते थे। विद्यालय के खिलाड़ियों को इतना धैर्य कहां कि ऐसा शिकार देखे और उस पर निशाना न मारें। आपस में कानाफूसी होने लगी कि इस जंगली को सीधे रास्ते पर लाना चाहिए, कैसा पंडित बना फिरता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं, अपने सिवा सभी को जातीय भाव से हीन समझता है। इसकी ऐसी मिट्टी प्लीत करो कि सारा पाखंड भूल जाए। संयोग से अवसर भी अच्छा मिल गया। कॉलेज खुलने के थोड़े ही दिनों बाद एक एंग्लो इंडियन रमणी दर्शन के क्लास में सम्मिलित हुई। वह कविकल्पित सभी उपमाओं की आगार थी। सेब का सा खिला हुआ रंग, सुकोमल शरीर, साहसय छवि और उस पर मनोहर वेशभूषा। छात्रों को विनोद का मसाला हाथ लगा। लोग इतिहास और भाषा छोड़ छोड़कर दर्शन की कक्षा में प्रविष्ट होने लगे। सभी की आंखें उसी चंद्रमुखी की ओर चकोर की नाई लगी रहती थी। सब उसकी कृपा कटाक्ष के अभिलाषी थे। सभी उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए लालायित थे। किंतु प्रकृति का जैसा नियम है, आचारशील हृदयों पर प्रेम का जादू जब चल जाता है तब वारा न्यारा करके ही छोड़ता है। और लोग तो आंखें ही सेंकने में मग्न रहा करते, किंतु पंडित चक्रधर प्रेम वेदना से विकल और सत्य अनुराग से उन्मत्त हो उठे। रमणी के मुख की ओर ताकते भी झेपते थे कि कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए, तो इस तिलक और शिखा पर फब्तियां उड़ने लगीं। जब अवसर पाते तो अत्यंत विनम्र, सचेष्ट, आतुर और अनुरक्त नेत्रों से देख लेते, किंतु आंखें चुराए हुए और सिर झुकाए हुए कि कहीं अपना पर्दा न खुल जाए, दीवार से कानों को खबर न हो जाए। मगर दाई से पेट कहाँ छिप सकता है। ताड़ने वाले ताड़ गए। यारों ने पंडित जी की मोहब्बत की नी गाह पहचान ही ली, मुहमांगी मुराद पाई, बाचे खिल गई। दो महाशयों ने उनसे घनिष्ठता बढ़ानी शुरू कर दी, मैत्री को संगठित करने लगे। जब समझ गए कि इन पर हमारा विश्वास जम गया, शिकार पर वार करने का अवसर आ गया, तो एक रोज दोनों ने बैठकर लेडियों की शैली में पंडित जी के नाम एक पत्र लिखा। माय डियर चक्रधर, बहुत दिनों से विचार कर रही हूँ कि आपको पत्र लिखूं, मगर इस भय से कि बिना परिचय से ऐसा साहस करना अनुचित होगा, अब तक जबत करती रही, पर अब नहीं रहा जाता।
आपने मुझ पर न जाने क्या जादू कर दिया है कि एक क्षण के लिए भी आपकी सूरत आंखों से नहीं उतरती। आपकी सौम्य मूर्ति, प्रतिभाशाली मस्तक और साधारण पहनावा सदैव आंखों के सामने फिरा करता है। मुझे स्वभावतः आडंबर से घृणा है, पर यहाँ सभी को कृत्रिमता के रंग में डूबा पाती हूँ। जिसे देखिए, मेरे प्रेम में अनुरक्त है, पर मैं उन प्रेमियों के मनोभावों से परिचित हूँ। वे सब के सब लंपट और शोधे हैं। केवल आप एक ऐसे सज्जन हैं जिनके हृदय में मुझे सद्भाव और सदनुराग की झलक दीख पड़ती है। बार बार उत्कंठा होती है कि आपसे कुछ बातें करती, मगर आप मुझसे इतनी दूर बैठते हैं कि वार्तालाप का सुअवसर नहीं प्राप्त होता। ईश्वर के लिए, कल से आप मेरे समीप ही बैठा कीजिए, और कुछ न सही तो आपके सामीप्य ही से मेरी आत्मा तृप्त होती रहेगी। इस पत्र को पढ़कर फाड़ डालिएगा और इसका उत्तर लिखकर पुस्तकालय की तीसरी आलमारी के नीचे रख दीजिएगा। आपकी लूसी। यह पत्र डाक में डाल दिया गया और लोग उत्सुक नेत्रों से देखने लगे कि इसका क्या असर होता है। उन्हें बहुत लंबा इंतजार न करना पड़ा। दूसरे दिन कॉलेज में आकर पंडित जी को लूसी के सन्निकट बैठने की फिक्र हुई। वे दोनों महाशय जिन्होंने उनसे आत्मीयता बढ़ा रखी थी, लूसी के निकट बैठा करते थे। एक का नाम था नईम और दूसरे का गिरिधर सहाय। चक्रधर ने आकर गिरिधर से कहा, यार तुम मेरी जगह जा बैठो, मुझे यहाँ बैठने दो। नईम, क्यों, आपको हसद होता है क्या? चक्रधर, हसद वसद की बात नहीं, वहाँ प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनाई नहीं देता, मैं कानों का जरा भारी हूँ। गिरिधर, पहले तो आपको यह बीमारी न थी, यह रोग कब से उत्पन्न हो गया? नईम, और फिर प्रोफेसर साहब तो यहाँ से और भी दूर हो जाएंगे जी। चक्रधर, दूर हो जाएंगे तो क्या, यहाँ अच्छा रहेगा, मुझे कभी कभी झपकियाँ आ जाती हैं, सामने डर लगा रहता है कि कहीं उनकी निगाह न पड़ जाए। गिरिधर, आपको तो झपकियाँ ही आती हैं न, यहाँ तो वही घंटा सोने का है, पूरी एक नींद लेता हूँ। फिर, नईम तुम भी अजीब आदमी हो, जब दोस्त होकर एक बात कहते हैं तो उसको मानने में तुम्हें क्या इतराज, चुपके से दूसरी जगह जा बैठो। गिरिधर, अच्छी बात है, छोड़े देता हूँ, किंतु यह समझ लीजिएगा कि यह कोई साधारण त्याग नहीं है, मैं अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ, कोई दूसरा लाख रुपये भी देता तो जगह न छोड़ता। नईम, अरे भाई, यह जन्नत है जन्नत, लेकिन दोस्त की खातिर भी तो है कोई चीज। चक्रधर ने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा और वहां जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद लूसी भी अपनी जगह पर बैठी। अब पंडित जी बार बार उसकी ओर सापेक्ष भाव से ताकते रहे कि वह कुछ बातचीत करे, और वह प्रोफेसर का भाषण सुनने में तन्मय हो रही है। आपने समझा, शायद लज्जावश नहीं बोलती, लज्जाशीलता रमणियों का सबसे सुंदर भूषण भी तो है। उसके डेस्क की ओर मुंह फेर फेर कर ताकने लगे। उसे इनके पान चबाने से शायद घृणा होती थी, बार बार मुंह दूसरी ओर फेर लेती, किंतु पंडित जी इतने सूक्ष्मदर्शी, इतने कुशाग्र बुद्धि न थे, इतने प्रसन्न थे मानो सातवें आसमान पर हैं। सबको उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, मानो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे थे कि तुम्हें यह सौभाग्य कहाँ नसीब, मुझसा प्रतापी और कौन होगा। दिन तो गुजरा। संध्या समय पंडित जी नईम के कमरे में आए और बोले, यार एक लेटर राइटर पत्र व्यवहार शिक्षक की आवश्यकता है। किसका लेटर राइटर सबसे अच्छा है? नईम ने गिरिधर की ओर कंखियों से देखकर पूछा, लेटर राइटर लेकर क्या कीजिएगा? गिरिधर फजूल है, नईम खुद किस लेटर राइटर से कम है। चक्रधर ने कुछ सकुचाते हुए कहा, अच्छा कोई प्रेम पत्र लिखना हो तो कैसे आरंभ किया जाए? नईम, डार्लिंग लिखते हैं, और जो बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो तो डियर डार्लिंग लिख सकते हैं। चक्रधर, और समाप्त कैसे करना चाहिए? नईम, पूरा हाल बताइए तो खत ही न लिख दें। चक्रधर, नहीं, आप इतना बता दीजिए, मैं लिख लूंगा। नईम, अगर बहुत प्यारा माशूक हो तो लिखिए योर डाइंग लव आर, और अगर साधारण प्रेम हो तो लिख सकते हैं यूर्स फॉर एवर। चक्रधर, कुछ शुभकामना के भाव भी तो रहने चाहिए ना? नईम, बेशक, बिला आदाब के भी कोई खत होता है, और वह भी मोहब्बत का। माशूक के लिए आदाब लिखने में फक रू की तरह दुआएं देनी चाहिए। आप लिख सकते हैं, गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी, या मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। चक्रधर, कागज पर लिख दो। गिरिधर ने एक पत्र के टुकड़े पर कई वाक्य लिख दिए। जब भोजन करके लौटे तो चक्रधर ने अपने किवाड़ बंद कर लिए और खूब बना बना कर पत्र लिखा। अक्षर बिगड़ बिगड़ जाते थे, इसलिए कई बार लिखना पड़ा। कहीं पिछले पहर जाकर पत्र समाप्त हुआ, तब आपने उसे इत्र में बसाया, दूसरे दिन पुस्तकालय में निर्दिष्ट स्थान पर रख दिया। यार लोग तो ताक में थे ही, पत्र उड़ा लाए और खूब मजे ले लेकर पढ़ा। तो तीन दिन के बाद चक्रधर को फिर एक पत्र मिला। लिखा, माय डियर चक्रधर, तुम्हारी प्रेम पत्री मिली, बार बार पढ़ा,
आंखों से लगाया, चुंबन लिया। कितनी मनोहर महक थी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा प्रेम भी ऐसा ही सुरभ सिंचित रहे। आपको शिकायत है कि मैं आपसे बातें क्यों नहीं करती? प्रिय, प्रेम बातों से नहीं, हृदय से होता है। जब मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेती हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है यह मैं ही जानती हूँ। एक दबी हुई ज्वाला है जो अंदर ही अंदर मुझे भस्म कर रही है। आपको मालूम नहीं कितनी आंखें हमारी ओर एकटक ताकती रहती हैं। जरा भी संदेह हुआ और चिर वियोग की विपत्ति हमारे सिर पड़ी। इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तुमसे एक याचना करती हूँ, क्षमा करना। मैं तुम्हें अंग रैजी पोशाक में देखने को बहुत उत्कंठित हो रही हूँ। यूं तो तुम चाहे जो वस्त्र धारण करो, मेरी आंखों के तारे हो, विशेषकर तुम्हारा सादा कुर्ता मुझे बहुत ही सुंदर मालूम होता है, फिर भी बाल्यावस्था से जिन वस्त्रों को देखते चली आई हूँ उन पर विशेष अनुराग होना स्वाभाविक है। मुझे आशा है तुम निराश न करोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक वास्कट बनाई है, उसे मेरे प्रेम का तुच्छ उपहार समझकर स्वीकार करो। तुम्हारी लूसी। पत्र के साथ एक छोटा सा पैकेट था, वास्कट उसी में बंद था। यारों ने आपस में चंदा करके बड़ी उदारता से उसका मूलधन एकत्र किया था। उस पर 100% से भी अधिक लाभ होने की संभावना थी। पंडित चक्रधर उक्त उपहार और पत्र पाकर इतने प्रसन्न हुए जिसका ठिकाना नहीं, उसे लेकर सारे छात्रावास में चक्कर लगा आए। मित्रवृंद देखते थे उसकी काट छांट की सराहना करते थे, तारीफों के पुल बांधते थे उसके मूल्य का अतिशय कृतिपूर्ण अनुमान करते थे। कोई कहता था यह सीधे पेरिस से सिल कर आया है, इस मुल्क में ऐसे कारीगर कहाँ, कौन अगर कोई इस टक्कर का वास्कट सिलवा दे तो 100 रू की बाजी बदता हूँ। पर वास्तव में उसके कपड़े का रंग का इतना गहरा था कि कोई सुरुचि रखने वाला मनुष्य उसे पहनना पसंद न करता। चक्रधर को लोगों ने पूर्व मुख करके खड़ा किया और फिर शुभ मुहूर्त में वह वास्कट उन्हें पहनाया। आप फूले न समाते थे। कोई इधर से जाकर कहता, भाई तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते, चोला ही बदल दिया, अपने वक्त के यूसुफ हो। यार क्यों न हो, तभी तो यह ठाट है। मुखड़ा कैसा दमकने लगा, मानो तपाया हुआ कुंदन है। अजी एक वास्कट पर यह जीवन है, कहीं पर रा अंग्रेजी सूट पहन रो तो न जाने क्या गजब हो जाए। सारी में से लोटपोट हो जाया, गला छुड़ाना मुश्किल हो जाए। आखिर सलाह हुई कि उनके लिए एक अंग्रेजी सूट बनवाना चाहिए। इस कला के विशेषज्ञ उनके साथ कुट बांधक रसूट बनवाने चले। पंडित जी घर के संपन्न थे, एक अंग्रेजी दुकान से बहुमूल्य सूट लिया गया। रात को इसी उत्सव में गाना बजाना भी हुआ। दूसरे दिन 10 बजे लोगों ने पंडित जी को सूट पहनाया। आप अपनी उदासीनता दिखा ने के लिए बोले, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को न जाने क्यों ये कपड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, जरा आईने में सूरत देखिए तो मालूम हो, खासे शाहजादे मालूम पड़ते हो। तुम्हारे हुशन पर मुझे तो रस्क है, खुदा ने तो आपको ऐसी सूरत दी, और उसे आप मोटे कपड़ों में छिपाए हुए थे। चक्रधर को नेकटाई बांधने का ज्ञान न था। बोले, भाई इसे तो ठीक कर दो। गिरिधर सहाय ने नेकटाई इतनी कसकर बांधी कि पंडित जी को सांस ले ना भी मुश्किल हो गया। बोले, यार बहुत तंग है गिरिधर, इसका फैशन ही यह है, हम क्या करें, ढीली टाई ऐब में दाखिल है। नहीं, इन्होंने तो फिर भी बहुत ढीली रखी है, मैं तो और भी कसकर बांधता हूँ। चक्रधर, अजी यहाँ तो दम घुट रहा है, नई मोर टाई का मंशा ही क्या है, इसीलिए तो बांधी जाती है कि आदमी बहुत जोर जोर से सांस न ले सके। चक्रधर के प्राण संकट में थे, आंखें सजल हो रही थी, चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर टाई को ढीला करने की हिम्मत न पड़ती थी। इस सजधज से आप कॉलेज चले तो मित्रों का एक गोल सम्मान का भाव दिखाता आपके पीछे पीछे चला, मानो बरातियों का समूह है, एक दूसरे की तरफ ताकता और रूमाल मुंह में देकर हंसता था। मगर पंडित जी को क्या खबर, वह तो अपनी धुन में मस्त थे। अकड़ अकड़ कर चलते हुए आकर क्लास में बैठ गए। थोड़ी देर बाद लूसी भी आई, पंडित का यह वेश देखा तो चकित हो गई, उसके अधरों पर मुस्कान की एक अपूर्व रेखा अंकित हो गई। पंडित जी ने समझा यह उसके उल्लास का चिन्ह है, बार बार मुस्कराकर उसकी ओर ताकने और रहस्यपूर्ण भाव से देखने लगे, किंतु वह लेश मात्र भी ध्यान न देती थी। पंडित जी की जीवनचर्या, धर्मोत्साह और रजातीय प्रेम में बड़े वेग से परिवर्तन होने लगे। सबसे पहले शिखा पर छुरा फिरा, अंग्रेजी फैशन के बाल कटवाए गए। लोगों ने कहा, यह क्या महाशय, आप तो फरमाते थे कि शिखा द्वारा विद्युत प्रवाह शरीर में प्रवेश करता है, अब वह किस मार्ग से जाएगा। पंडित जी ने दार्शनिक भाव से मुस्कराकर कहा, मैं तुम लोगों को उल्लू बनाता था, क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि यह सब पाखंड है।
मुझे अंतःकरण से इस पर विश्वास ही कब था, आप लोगों को चकमा देना चाहता था। नईम वल्ला, आप एक ही झांसेबाज निकले। हम लोग आपको बछिया के ताऊ ही समझते थे, मगर आप तो आठों गांठ कुम्मत निकले। चक्रधर देखता कि लोग कहते क्या हैं। शिखा के साथ साथ संध्या और हवन की भी इतिश्री हो गई। हवन कुंड कमरे में चारपाई के नीचे फेंक दिया गया। कुछ दिनों के बाद सिगरेट के जले हुए टुकड़े रखने का काम देने लगा। जिस आसन पर बैठकर हवन किया करते थे, वह पायदान बना। अब प्रतिदिन साबुन रगड़ते, बालों में कंघी करते और सिगार पीते। यार उन्हें चंक पर चढ़ाए रहते थे। यह प्रस्ताव हुआ कि इस चंडूल से वास्कट के रुपये वसूल करने चाहिए, मैं सूद के। फिर क्या था, लूसी का एक पत्र आ गया आपके रह। पांतर से मुझे जितना आनंद हुआ उसे शब्दों में नहीं प्रकट कर सकती। आपसे मुझे ऐसी ही आशा थी। अब आप इस योग्य हो गए हैं कि कोई यूरोपियन लेडी आपके सहवास में अपना अपमान नहीं समझ सकती। अब आपसे प्रार्थना के बल यही है कि मुझे अपने अनंत और अविरल प्रेम का कोई चिन्ह प्रदान कीजिए, जिसे मैं सदैव अपने पास रखूं। मैं कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं, केवल प्रेमोपहार चाहती हूँ। चक्रधर ने मित्रों से पूछा, अपनी पत्नी के लिए कुछ सौगात भेजना चाहता हूँ, क्या भेजना उचित होगा? नईम जनाब, यह तो उसकी तालीम और मिजाज पर मुनहसर है। अगर वह नए फैशन की लेडी है, कोई बेशकीमत सुबुक वजहदार चीज या ऐसी ही कई चीजें भेजिए, मसलन रुमाल, रिस्ट वॉच, लेवेंडर की शीशी, फंसी कंघी, आईना, लॉकेट, ब्रूस वगैरह। और खुदा न खास्ता अगर गंवारिन है तो किसी दूसरे आदमी से पूछिए, मुझे गंवारियों के मिजाज का इल्म नहीं। चक्रधर जनाब अंग्रेजी पढ़ी हुई हैं, बड़े ऊंचे खानदान की हैं। नईम, तो फिर मेरी सलाह पर अमल कीजिए। संध्या समय मित्रगण चक्रधर के साथ बाजार गए और ढेर की ढेर चीजें बटोर लाए, सबकी सब ऊंचे दर्जे की। कोई 75 रू खर्च हुए, मगर पंडित जी ने उफ तक न की, हंसते हुए रुपये निकाले। लौटते वक्त नईम ने कहा, अफसोस हमें ऐसी खुशमिजाज बीवी न मिली। गिरिधर जहर खा लो जहर। नईम भाई, दोस्ती के माने तो यही है कि एक बार हमें भी उनकी जियारत हो। क्यों पंडित जी, आप इसमें कोई हर्ज समझते हैं? गिरिधर, खैर खुदा उन्हें जल्द दुनिया से नजात दे। रातों रात पैकेट बना और प्रातःकाल पंडित जी उसे ले जाकर लाइब्रेरी में रख आए। लाइब्रेरी सवेरे ही खुल जाती थी, कोई अड़चन न हुई। उन्होंने इधर मुंह फेरा, उधर यारों ने माल उड़ाया और चंपत हुए। नईम के कमरे में चंदे के हिसाब से हिस्सा बांट हुआ। किसी ने घड़ी पाई, किसी ने रुमाल, किसी ने कुछ। एक रुपये के बदले 5-5 रुपये हाथ लगे। 3. रेमिजन का धैर्य अपार होता है। निराशा पर निराशा होती है, पर धैर्य हाथ से नहीं छूटता। पंडित जी बेचारे विपुल धन व्यय करने के पश्चात भी प्रेमिका से संभाषण का सौभाग्य न प्राप्त कर सके। प्रेमिका भी विचित्र थी, जो पत्रों में मिश्री की डली घोल देती, मगर प्रत्यक्ष दृष्टिपात भी न करती थी। बेचारे बहुत चाहते थे कि स्वयं ही अग्रसर हों, पर हिम्मत न पड़ती थी। विकट समस्या थी, किंतु इससे भी वह निराश न थे। हवन संध्या तो छोड़ ही बैठे थे, नए फैशन के बाल कट ही चुके थे, अब बहुधा अंग्रेजी ही बोलते, यद्यपि वह अशुद्ध और भ्रष्ट होती थी। रात को अंग्रेजी मुहावरों की किताब लेकर पाठ की भांति रखते। नीचे के दर्जों में बेचारे न इतने श्रम से कभी पाठ न याद किया था, उन्हीं रटे हुए मुहावरों को मौके बे मौके काम में लाते। 2-4 लूसी के सामने भी अंग्रेजी बघारने लगे, जिससे उनकी योग्यता का पर्दा और भी खुल गया। किंतु दुष्टों को अब उन पर दया न आई। एक दिन चक्रधर के पास लूसी का पत्र पहुंचा, जिसमें बहुत अनुनय विनय के बाद यह इच्छा प्रकट की गई थी कि मैं भी आपको अंग्रेजी खेल खेलते देखना चाहती हूं। मैंने आपको कभी फुटबॉल या हॉकी खेलते नहीं देखा। अंग्रेज जेंटलमैन के लिए हॉकी, क्रिकेट आदि में सिद्धहस्त होना परमावश्यक है। मुझे आशा है आप मेरी यह तुच्छ याचना स्वीकार करेंगे। अंग्रेजी वेशभूषा में, बोलचाल में, आचार व्यवहार में काल जमे अब आपका कोई प्रतियोगी नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि खेल के मैदान में भी आपकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो जाए। कदाचित कभी आपको मेरे साथ लेडियों के सम्मुख खेलना पड़े, तो उस समय आपकी और आपसे ज्यादा मेरी हिटी होगी, इसलिए टेनिस अवश्य खेलिए। 10 बजे पंडित जी को वह पत्र मिला। दोपहर को ज्यों ही विश्राम की घंटी बजी कि आपने नईम से जाकर कहा, यार जरा फुटबॉल निकाल दो। नईम फुटबॉल के कप्तान भी थे, मुस्कराकर बोले, खैर तो है, इस दोपहर में फुटबॉल लेकर क्या कीजिएगा, आप तो कभी मैदान की तरफ झांकते भी नहीं, आज इस चलती बुलती धूप में फुटबॉल खेलने की धूम क्यों सवार है? चक्रधर, आपको इससे क्या मतलब, आप गेंद निकाल दीजिए, मैं गेंद में भी आप लोगों को नीचा दिखाऊंगा। नईम जनाब, कहीं चोट चपेट आ जाएगी, मुफ्त में परेशान होइएगा।
हमारे ही सिर मरहम पट्टी का बोझ पड़ेगा। खुदा के लिए इस वक्त रहने दीजिए। चक्रधर, आखिर चोट तो मुझे लगेगी, आपका इससे क्या नुकसान होता है? आपको जरा सा गेंद निकाल देने में इतनी आपत्ति क्यों है? नईम ने गेंद निकाल दिया और पंडित जी उसी जलती हुई दोपहरी में अभ्यास करने लगे। बार बार गिरते थे, बार बार तालियां पड़ती थी, मगर वह अपनी धुन में ऐसे मस्त थे कि उसकी कुछ परवाह ही न करते थे। इसी बीच में आपने लूसी को आते देख लिया और भी फूल गए। बार बार पैर चलाते थे मगर निशाना खाली जाता था, पैर पड़ते भी थे तो गेंद पर कुछ असर न होता था, और लोग आकर गेंद को एक ठोकर में आसमान तक पहुंचा देते, तो आप कहते हैं मैं जोर से मारूं तो इससे भी ऊपर जाए, लेकिन फायदा क्या? लूसी 2-3 मिनट तक खड़ी उनकी बौखलाहट पर हंसती रही। आखिर नईम से बोली, वेल नईम, इस पंडित को क्या हो गया है? रोज एक नए एक स्वांग भरा करता है, इसके दिमाग में खलल तो नहीं पड़ गया? नईम, मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। शाम को सब लोग छात्रालय में आए तो मित्रों ने जाकर पंडित जी को बधाई दी। यार, हो बड़े खुशनसीब, हम लोग फुटबॉल को कॉलेज की चोटी तक पहुंचाते रहे मगर किसी ने तारीफ न की। तुम्हारे खेल की सबने तारीफ की, खासकर लूसी ने। वह तो कहती थी जिस ढंग से यह खेलते हैं, उस ढंग से मैंने बहुत कम हिंदुस्तानियों को खेलते देखा है। मालूम होता है ऑक्सफोर्ड का अभ्यस्त खिलाड़ी है। चक्रधर और भी कुछ बोली। क्या कहा, सच बताओ? नईम जी, अब साफ साफ न कहलवाए। मालूम होता है आपने टट्टी की आड़ से शिकार खेला है। बड़े उस्ताद हो यार, हम लोग मुंह ताकते रहे और तुम मैदान मार ले गए। जब ही आप रोज यह कलेवर बदला करते थे, अब भेद खुला। वाकई खुशनसीब हो चक्रधर, मैं उसी कायदे से गेंद में ठोकर मारता था जैसे किताब में लिखा है। नईम, तभी तो बाजी मार ले गए भाई, और नहीं क्या हम आपसे किसी बात में कम हैं? हाँ, तुम्हारी जैसी सूरत कहाँ से लावे? चक्रधर, बहुत बनाव नहीं, मैं ऐसा कहाँ का बड़ा रूपवान हूँ। नईम जी, यह तो नतीजे ही से जाहिर है, यहाँ साबुन और तेल लगाते लगाते भौरा हुआ जाता हूँ और कुछ असर नहीं होता, मगर आपका रंग बिना हर्रे फिटकरी के ही चोखा है। चक्रधर, कुछ मेरे कपड़े वगैरह की निस्बत तो नहीं कहती थी? नईम, नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। हाँ, इतना देखा कि जब तक खड़ी रही आपकी ही तरफ उसकी टकटकी लगी हुई थी। पंडित जी अकड़े जाते थे, हृदय फूला जाता था। जिन्होंने उनकी वह अनुपम छवि देखी वे बहुत दिनों तक याद रखेंगे, मगर इस अतुल आनंद का मूल्य उन्हें बहुत देना पड़ा, क्योंकि अब कॉलेज का सेशन समाप्त होने वाला था और मित्रों की पंडित जी के माथे एक बार दावत खाने की बड़ी अभिलाषा थी। प्रस्ताव होने की देर थी। तीसरे दिन उनके नाम लूसी का पत्र पहुंचा। वियोग के दुर्दिन आ रहे हैं, न जाने आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ होंगी। मैं चाहती हूँ इस अटल प्रेम की यादगार में एक दावत हो, अगर उसका व्यय आपके लिए असह्य हो तो मैं संपूर्ण भार लेने को तैयार हूँ। इस दावत में मैं और मेरी सखियां सहेलियां निमंत्रित होंगी, कॉलेज के छात्र और अध्यापक गण सम्मिलित होंगे। भोजन के उपरांत हम अपने वियुक्त हृदय के भावों को प्रकट करेंगे। काश आपका धर्म, आपकी जीवन प्रणाली और मेरे माता पिता की निर्दयता बाधक न होती तो हमें संसार की कोई शक्ति जुदा नहीं कर सकती। चक्रधर यह पत्र पाते ही बौखला उठे। मित्रों से कहा, भाई चलते चलते एक बार रस भोज तो हो जाए, फिर न जाने कौन कहाँ होगा। मिस लूसी को भी बुलाया जाए। यद्यपि पंडित जी के पास इस समय रुपये न थे, घरवाले उनकी फिजूल खर्ची की कई बार शिकायत कर चुके थे, मगर पंडित जी का आत्माभिमान यह कब मां नता की प्रीति भोज का भार लूसी पर रखा जाए। वह तो अपने प्राण तक उस पर वार चुके थे। न जाने क्या क्या बहाने बनाकर ससुराल से रुपये मंगवाए और बड़े समारोह से दावत की तैयारियां होने लगी। कार्ड छपवाए गए, भोज न परोसने वाले के लिए नई वर्दियां बनवाई गई, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों ही प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई, अंग्रेजी खाने के लिए रॉयल होटल से बातचीत की गई। इसमें बहुत सुविधा थी, यद्यपि चीजें बहुत महंगी थी, लेकिन झंझट से नजात हो गई, अन्यथा सारा भार नईम और उसके दोस्त गिरिधर पर पड़ता। हिंदुस्तानी भोजन के व्यवस्थापक गिरिधर हुए। पूरे 2 सप्ताह तक तैयारियां हुई थी। नईम और गिरिधर तो कॉलेज में केवल मनोरंजन के लिए थे, पढ़ना पढ़ाना तो उनको था नहीं, आमोद प्रमोद ही में समय व्यतीत किया करते थे। कवि सम्मेलन की भी ठहरी, कविजनों के नाम बुलावे भेजे गए। सारांश यह कि बड़े पैमाने पर प्रीतिभोज का प्रबंध किया गया और भोज हुआ भी विराट। विद्यालय के नौकरों ने पूरियां बेची, विद्यालय के इतिहास में वह भोज चिरस्मरणीय रहेगा। मित्रों ने खूब बढ़ बढ़ कर हाथ मारे, 2-3 में से भी खींच बुलाई गई। मिर्जा नईम लूसी का घेर घार कर ले ही आए, इसने भोजन को और भी रसमय बना दिया। 4
किंतु शोक महाशोक इस भोज का परिणाम अभागे चक्रधर के लिए कल्याणकारी न हुआ। चलते चलते लज्जित और अपमानित होना पड़ा था। मित्रों की तो दिल लगी थी और उस बेचारे की जान पर बन रही थी। सोचे, अब तो विदा होते ही हैं, फिर मुलाकात हो या न हो, अब किस दिन के लिए सब्र करें। मन के प्रेमोद्गार को निकाल क्यों न लें, कलेजा चीर कर दिखा क्यों न दें। और लोग तो दावत खाने में जुटे हुए थे, और वह मदन बाण पीड़ित युवक बैठा सोच रहा था कि यह अभिलाषा क्यों कर पूरी हो। अब यह आत्मदमन क्यों, लज्जा क्यों, विरक्ति क्यों, गुप्त रोदन क्यों, मौन मुखापेक्षा क्यों, अंतर्वेदना क्यों। बैठे बैठे प्रेम को क्रियाशील बनाने के लिए मन में बल का संचार करते रहे, कभी देवताओं का स्मरण करते, कभी ईश्वर को अपनी भक्ति की याद दिलाते। अवसर की ताक में इस भांति बैठे थे जैसे बगुला मेंढक का ताक में बैठता है। भोज समाप्त हो गया, पान इलायची बन चुकी, वियोग वार्ता हो चुकी। मिस लूसी अपनी श्रवण मधुर वाणी से हृदयों में हाहाकार मचा चुकी और भोजशाला से निकलकर बाइसिकल पर बैठी। उधर कवि सम्मेलन में इस तरह मिसरा पड़ा गया, कोई दीवाना बनाए, कोई दीवाना बने। इधर चक्रधर चुपके से लूसी के पीछे हो लिए और साइकिल को भयंकर वेग से दौड़ाते हुए उसे आधे रास्ते में जा पकड़ा। वह इन्हें इस व्यग्रता से दौड़े आते देखक रसहम उठी कि कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। बोली, वेल पंडित जी, क्या बात है, आप इतने बदहवास क्यों हैं, कुशल तो है। चक्रधर का गला भर आया, कंपित स्वर से बोले, अब आपसे सदैव के लिए बिछुड़ ही जाऊंगा, यह कठिन विरह पीड़ा कैसे सही जाएगी, मुझे तो शंका है कहीं पागल न हो जाऊं। लूसी ने विस्मित होकर पूछा, आपकी मंशा क्या है, आप बीमार है क्या। चक्रधर आह दिया, डाली तुम पूछती हो, बीमार हूँ मैं, मर रहा हूँ, प्राण निकल चुके हैं, केवल प्रेमाभिलाषा का अवलंबन है। यह कहकर आपने उसका हाथ पकड़ना चाहा, वह उनका उन्माद देखकर भयभीत हो गई, क्रोध में आकर बोली, आप मुझे यहाँ रोककर मेरा अपमान कर रहे हैं, इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। चक्रधर, लूसी देखो, चलते चलते इतनी निष्ठुरता न करो, मैंने ये विरह के दिन किस तरह काटे हैं सो मेरा दिल ही जानता है। मैं ही ऐसा बेहया हूँ कि अब तक जीता हूँ, दूसरा होता तो अब तक चल बसा होता। बस केवल तुम्हारी सुधामयी पत्रिकाएं ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार थी। लूसी, मेरी पत्रिकाएं कैसी, मैंने आपको कब पत्र लिखे, आप कोई नशा तो नहीं खा आए हैं। चक्रधर, डियर डार्लिंग, इतनी जल्द न भूल जाओ, इतनी निर्दयता न दिखाओ। तुम्हारे वे प्रेम पत्र जो तुमने मुझे लिखे हैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति रहेंगे। तुम्हारे अनुरोध से मैंने यह वेश धारण किया, अपना संध्या हवन छोड़ा, यह आचार व्यवहार ग्रहण किया। देखो तो जरा मेरे हृदय पर हाथ रखकर कैसी धड़कन हो रही है, मालूम होता है बाहर निकल पड़ेगा। तुम्हारा यह कुटिल हास्य मेरे प्राण ही लेकर छोड़ेगा, मेरी अभिलाषाओं। लूसी, तुम भंग तो नहीं खा गए हा, या किसी ने तुम्हें चकमा तो नहीं दिया है, मैं तुमको प्रेम पत्र लिखती। हाँ हाँ, जरा अपनी सूरत तो देखो, खासे बनेले सुअर मालूम होते हो। किंतु पंडित जी अभी तक यही समझ रहे थे कि यह मुझसे विनोद कर रही है। उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके बोले, प्रिय, बहुत दिनों के बाद यह सुअवसर मिला है, अब न भागने पाओगी। लूसी को अब क्रोध आ गया, उसने जोर से एक चांटा उनके लगाया और सिंहिनी की भांति गरज कर बोली, यू ब्लाडी, हट जा रास्ते से, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाती हूँ। रास्केल, पंडित जी चांटा खाकर चौंधिया गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मानसिक आघात पर यह शारीरिक वज्रपात, यह दोहरी विपत्ति, वह तो चांटा मारकर हवा होगा ये, और यह वहीं जमीन पर बैठकर इस संपूर्ण वृतांत की मन ही मन आलोचना करने लगे। चांटे ने बाहर की आंखें आंसुओं से भर दी थी, पर अंदर की आंखें खोल दी थी। कहीं कॉलेज के लौंडों ने तो यह शरारत नहीं की, अवश्य यही बात है, आह, पाजियों ने बड़ा चकमा दिया, तभी सब के सब मुझे देख देख कर हंसा करते थे, मैं भी कुछ कमकल हूं, नहीं तो इनके हाथों टैसू क्यों बनता। बड़ा झांसा दिया, उम्र भर याद रहेगा। वहां से झल लाए हा ए आए और नईम से बोले, तुम बड़े दगाबाज हो, परले सिरे के धूर्त, पाजी, उल्लू, गधे, शैतान। नईम, आखिर कोई बात भी कहिए या गालियां ही देते जाएगा। गिरिधर, क्या बात हुई, कहीं लूसी से आपने कुछ कहा तो नहीं। चक्रधर, उसी के पास से आ रहा हूँ, चांटा खाकर और मुंह में कालिख लगवाकर। तुम दोनों ने मिलकर मुझे खूब उल्लू बनाया, इसकी कसर न लूं तो मेरा नाम नहीं। मैं नहीं जानता था कि तुम लोग मित्र बनकर मेरी गर्दन पर छुरा चला रहे हो। अच्छा, जो वह गुस्से में आकर पिस्तौल चला देती तो। नहीं, अरे यार, माशूकों की घाते निराली होती हैं। चक्रधर, तुम्हारा सिर, माशूक चांटे लगाया करते हैं, वे आंखों से तीर चलाते हैं, कटार मारते हैं या हाथों से मुष्टि प्रहार करते हैं।
गिरिधर उससे आपने क्या कहा? चक्रधर कहा क्या, अपनी विरह व्यथा की गाथा सुनाता रहा। इस पर उसने ऐसा चांटा रसीद किया कि कान भन्ना उठे। हाथ है उसके की पत्थर। गिरिधर गजब ही हो गया। आप हैं निरेचोंच भले आदमी, इतनी मोटी बुद्धि है तुम्हारी, हम क्या जानते थे कि आप ऐसे छिछोरे हैं, नहीं तो मजाक ही क्यों करते। अब आपके साथ हम लोगों पर भी आफत आई, कहीं उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी तो न इधर के हुए न उधर के, और जो कहीं अपने किसी अंग्रेज आशना से कहा तो जान के लाले पर जाएंगे। बड़े बेवकूफ हो यार, निरे चोंच हो, इतना भी नहीं समझे कि वह सब दिल लगी थी। ऐसे बड़े खूबसूरत भी तो नहीं हो। चक्रधर, दिल लगी तुम्हारे लिए थी, मेरी तो मौत हो गई, चिड़िया जान ले गई, लड़कों का खेल हुआ। अब चुपके से मेरे 500 रुपये लौटा दीजिए, नहीं तो गर्दन ही तोड़ दूंगा। नईम, रुपयों के बद ले खिदमत चाहे ले लो, कहो तुम्हारी हजामत बना दे, जूते साफ कर दे, सिर सहला दे, बस खाना देते जाना। कसम ले लो, जो जिंदगी भर कहीं जाऊं या तरक्की के लिए कहूं, माँ बाप के सिर से तो बोझ टल जाएगा। चक्रधर मत चले पर नमक छिड़कों जी, आपके आप गए, मुझे ले डूबे। तुम्हारी तो अंग्रेजी अच्छी है, लोट पोट कर निकल जाओगे, मैं तो पास भी न हूंगा। बदनाम हुआ, वह अलग 500 की चपत भी पड़ी। यह दिल लगी है कि गला काटना, खैर समझूंगा और चाहे मैं न समझूं, पर ईश्वर जरूर समझेंगे। नईम, गलती हुई भाई, मुझे अब खुद इसका अफसोस है। गिरिधर, खैर रोने धोने का अभी बहुत मौका है, अब यह बतलाई कि लूसी ने प्रिंसिपल से कह दिया तो क्या नत जा होगा, तीनों आदमी निकाल दिए जाएंगे, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर चक्रधर, मैं तो प्रिंसिपल से तुम लोगों की सारी कलाई खोल दूंगा। नईम, क्यों यार, दोस्त के यही माने हैं। चक्रधर जी हाँ, आप जैसे दोस्तों की यही सजा है। उधर तो रात भर मुशायरे का बाजार गर्म रहा और इधर यह त्रिमूर्ति बैठी प्राण रक्षा के उपाय सोच रही थी। प्रिंसिपल के कानों तक बात पहुंची और आफत आई। अंग्रेज वाली बात है, न जाने क्या कर बैठे। आखिर बहुत वाद विवाद के पश्चात यह निश्चित हुआ कि नईम और गिरिधर प्रातःकाल मिस लूसी के बंगले पर जाया, उससे क्षमा याचना करें और इस अपमान के लिए वह जो प्रायश्चित कहे उसे स्वीकार करें। चक्रधर, मैं एक कौड़ी न दूंगा। नईम, न देना भाई, हमारी जान तो है न। गिरिधर, जान लेकर वह चाटेगी, पहले रुपये की फिक्र कर लो, वह बिना तावान लिए न मानेगी। नईम भाई, चक्रधर खुदा के लिए इस वक्त दिल न छोटा करो, नहीं तो हम तीनों की मिट्टी खराब होगी। जो कुछ हुआ उसे मुआफ करो, अब फिर ऐसी खता न होगी। चक्रधर, यही न होगा, निकाल दिया जाऊंगा, दुकान खोल लूंगा, तुम्हारी मिट्टी खराब होगी, इस शरारत का मजा चखोगे। ओह कैसा चकमा दिया। बहुत खुशामद और चिरौरी के बाद देवता सीधे हुए। प्रातःकाल नईम लूसी के बंगले पर पहुंचे, वहां मालूम हुआ कि वह प्रिंसिपल के बंगले पर गई है। अब काटो तो बदन में लहू नहीं, या अली तुम ही मुश्किल को आसान करने वाले हो, अब जान की खैर नहीं। प्रिंसिपल ने सुना तो कच्चा ही खा जाएगा, नमक तक न मांगेगा। इस कमबख्त पंडित की बदौलत अजाब में जान फंसी, इस बेहुदे को सूझी क्या। चला नाजनीन से इश्क जताने, बनबिल सकी सी तो आपकी सूरत है, और खबत यह कि यह माहरू मुझ पर रीझ गई, हमें भी अपने साथ डुबोए देता है। कहीं लूसी से रास्ते में मुलाकात हो गई तो शायद आरजू मिन्नत करने से मान जाए, लेकिन जो वहां पहुंच चुकी है तो फिर कोई उम्मीद नहीं। वह फिर पैरगाड़ी पर बैठे और बेतहाशा प्रिंसिपल के बंगले की तरफ भागे। ऐसे तेज जा रहे थे मानो पीछे मौत आ रही है, जरा सी ठोकर लगती तो हड्डी पसली चूर चूर हो जाती। पर शोक कहीं ल सी का पता नहीं, आधा रास्ता निकल गया और लूसी की गर्द तक न नजर आई। नैराश्य ने गति को मंद कर दिया, फिर हिम्मत करके चले। बंगले के द्वार पर भी मिल गई तो जान बच जाएगी। सहसा लूसी दिखाई दी। नईम ने पैरों को और भी तेज चलाना शुरू किया। वह प्रिंसिपल के बंगले के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। एक सेकंड में वारा न्यारा होता था, नाव डूबती थी या पार जाती थी। हृदय उछल उछल कर कंठ तक आ रहा था। जोर से पुकारा, मिस टर्नर, हेलो मिस टर्नर, जरा ठहर जाओ। लूसी ने पीछे फिर कर देखा, नईम को पहचानकर ठहर गई और बोली, मुझसे उस पंडित की सिफारिश करने तो नहीं आए हो? मैं प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करने जा रही हूँ। नईम, तो पहले मुझे और गिरिधर दोनों को गोली मार दो, फिर जाना। लूसी, बेहया लोगों पर गोली का असर नहीं होता, उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया है। नईम, लूसी तुम्हारे कसूरवार हम ही दोनों हैं, वह बेचारा पंडित तो हमारे हाथ का खिलौना था, सारी शरारत हम लोगों की थी, कसम तुम्हारे सिर की। लूसी, लवन दम ही जलेवल। नईम, हम दोनों उसे दिल बहलाव का एक स्वांग बनाए हुए थे,
इसकी हमें जरा भी खबर न थी कि वह तुम्हें छेड़ने लगेगा। हम तो समझते थे कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। खुदा के लिए मुआफ करो, वरना हम तीनों का खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। लूसी, खैर तुम कहते हो तो प्रिंसिपल से न कहूंगी, लेकिन शर्त यह है कि पंडित मेरे सामने 20 मरतबा कान पकड़कर उठे बैठे और मुझे कम से कम 200 रू तावान दे। नहीं लूसी, इतनी बेरहमी न करो। यह समझो, उस गरीब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। काश अगर तुम इतनी हसीन न होती। लूसी मुस्कराकर बोली, खुशामद करना कोई तुमसे सीख ले। नईम तो अब वापस चलो। लूसी, मेरी दोनों शर्तें मंजूर करते हो ना? नईम, तुम्हारी दूसरी शर्त तो हम सब मिलकर पूरी कर देंगे, लेकिन पहली शर्त सख्त है, बेचारा जहर खाकर मर जाएगा। हाँ, उसके एवज में मैं 50 दफा कान पकड़कर उठ बैठ सकता हूँ। लूसी, तुम छुटे हुए शोदे हो, तुम्हें शर्म कहाँ? मैं उसी को सजा देना चाहती हूँ। बदमाश मेरा हाथ पकड़ना चाहता था। नईम, जरा भी रहम न करोगी? लूसी, नहीं, 100 बार नहीं। न, इन लूसी को साथ लाए। पंडित के सामने दोनों शर्तें रखी गईं, तो बेचारा बिलबिला उठा, लूसी के पैरों पर गिर पड़ा और सिस्क सिस्क कर रोने लगा। नईम और गिरिधर भी अपने कुकृत्य पर लज्जित हुए। अंत में लूसी को दया आई, बोली, अच्छा इन दोनों में से कोई एक शर्त मंजूर कर लो, मैं मुआफ कर दूंगी। लोगों को पूरा विश्वास था कि चक्रधर रुपये वाली ही शर्त स्वीकार करेंगे। लूसी के सामने वह कभी कान पकड़कर उठा बैठी न करेंगे। इसलिए जब चक्रधर ने कहा, मैं रुपये तो न दूंगा, हाँ 20 की जगह 40 बार उठा बैठी कर लूंगा, तो सब लोग चकित हो गए। नईम ने कहा, यार क्यों हम लोगों को जलील करते हो? रुपये क्यों नहीं देते? चक्रधर रुपये बहुत खर्च कर चुका, अब इस चुड़ैल के लिए कानी कौड़ी तो खर्च करूंगा नहीं, 200 बहुत होते हैं। इसने समझा होगा, चलकर मजे से 200 रुपये मार लाऊंगी और गुलछर्रे उड़ाऊंगी। यह न होगा, अब तक रुपये खर्च करके अपनी हंसी कराई है, अब बिना खर्च किए हंसी कराऊंगा। मेरे पैरों में दर्द हो बला से, सब लोग हंसे बला से, पर इसकी मुट्ठी तो न गर्म होगी। यह कहकर चक्रधर ने कुर्ता उतार फेंका, धोती ऊपर चढ़ा ली और बरामदे से नीचे मैदान में उतरकर उठा बैठी करने लगे। मुखमंडल क्रोध से तमतमाता हुआ था, पर वह बैठके लगाए जाते थे। मालूम होता था कोई पहलवान अपना कर्तव्य दिखा रहा है। पंडित ने अगर बुद्धिमत्ता का कभी परिचय दिया तो इसी अवसर पर। सब लोग खड़े थे, पर किसी के होंठों पर हंसी न थी। सब लोग दिल में कटे जाते थे, यहाँ तक कि लूसी को भी सिर उठाने का साहस न होता था। सिर गड़ाए बैठी थी, शायद उसे खेद हो रहा था कि मैंने नाहक यह दंड योजना की। वाह, सब बार उठते बैठते कितनी देर लगती है। पंडित ने खूब उच्च स्वर से गिन गिनकर 20 की संख्या पूरी की और गर्व से सिर उठाए अपने कमरे में चले गए। लूसी ने उन्हें अपमानित करना चाहा था, उल्टे उसी का अपमान हो गया। इस दुर्घटना के पश्चात एक सप्ताह तक कॉलेज खुला रहा, किंतु पंडित जी को किसी ने हंसते नहीं देखा। वह विमन और विरक्त भाव से अपने कमरे में बैठे रहते थे। लूसी का नाम जबान पर आते झल्ला पड़ते थे। इस साल की परीक्षा में पंडित जी फेल हो गए, पर इस कॉलेज में फिर न आए, शायद अलीगढ़ चले गए।